संतोष गंगवार राजपाल आज धनबाद पहुंचे। दुमका से रांची जाने के क्रम में थोड़े समय के लिए धनबाद परिसदन में राज्यपाल संतोष गंगवार रुके। जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल के धनबाद आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मौके पर BBMKU के कुलपति, सिटी SP, DFO, नगर आयुक्त, DDC, मुख्यालय 1, DSP, DSP विधि व्यवस्था, बैंक मोड़ थाना प्रभारी, धनबाद थाना प्रभारी समेत कई पुलिस प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश आने वाले समय में अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। झारखंड में संभावनाएं बहुत हैं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में काफी कुछ करने की जरूरत है। यह महसूस करते हैं कि उच्च शिक्षा में पूरे तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। धनबाद के BBMKU में लैब और लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं होने पर सवाल, पर उन्होंने कहा इस पर संज्ञान लिया जाएगा। पर राज्य में घूम रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और हमें लगता यह है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये प्रदेश अच्छे ढंग से आगे बढ़ने का काम करेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रदेश में संभावनाएं बहुत हैं, और हम इसकी विषय को लेकर ही लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब घूम ही रहे, सभी जगह जानकारी कर रहे हैं। उच्च शिक्षा में मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि बहुत कुछ करने की संभावना है, क्योंकि उच्च शिक्षा को लगता है कि पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। स्थान रिक्त भी हैं और रेगुलर प्रिंसिपल भी नहीं है, मतलब VC तो कार्यवाहक शायद 4 हैं। इसलिए सारी बात जानकारी कर रहे हैं और कैसे इसको और दुरुस्त किया जाए। उच्च शिक्षा में ज्यादा सक्रियता की आवश्यकता है।